कॉट और कोसेक में आप बनाइए कॉस और कोसेक में आप बना सकते हैं। कोसेक एंड कॉट के लिए सेम थिंग, लेफ्ट साइड में जैसे बनाए वैसे। तो मेरे पास है सेम थिंग, वन इज इक्वल टू अगेन सेम थिंग। इसके लिए बनाइए इससे, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक है माइनस कॉट है इनटू ब्रैकेट कोसेक प्लस कॉट। ये देखो हमने इससे बनाया, इससे मुझे क्या मिलेगा, कोसेक माइनस कॉट इज वन अपॉन कोसेक प्लस कॉट है, एंड अनदर क्या है बताइए, दूसरा कोसेक प्लस कॉट है इज वन अपॉन कोसेक माइनस कॉट है। ये दो बन गए, आप लोग खुद कीजिए, अभी आपको खुद करना है सॉल्व एज यूर ओन, लिखो। चलो ये हो गए कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज बन गए। अभी अभी एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है आइडेंटिटी देख लेंगे नेक्स्ट। अब हमने ये भी दिखाया कि साइन ए अपॉन कॉस ए का वैल्यू टैन ए होता है। अब मुझे आपको ये बताना है, आपका एक्स अगर, एक्स अगर आपका माइनस वन टू वन के बीच में है, अगर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपकी माइनस वन टू वन के बीच में है तो क्या होता है, इफ एक्स इज इन बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन, है ना, तो आप वन अपॉन एक्स के बारे में बोलिए, वन अपॉन एक्स बोलिए, सर वही होगा माइनस वन से ग्रेटर देन वन, उल्टा होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल किया तो साइन बदल जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, टू ग्रेटर देन वन है या थ्री ग्रेटर देन टू है, तो वन अपॉन थ्री और वन अपॉन टू में क्या साइन रहेगा, रेसिप्रोकल में। एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी व्हाइल यू स्टडिंग, आप जो कुछ पढ़ते हैं ना उसमें आप जो पढ़े उसका एप्लीकेशन करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का भी एप्लीकेशन इधर आएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ए लेस देन बी है तो वन अपॉन ए एंड वन अपॉन बी में उल्टा रिलेशन होता है। देखो ना वन अपॉन थ्री लेस देन वन अपॉन टू रहता है ना, एक एक क्वांटिटी के तीन पार्ट किए और उसके दो किए तो ये बड़ा रहेगा। सेम थिंग इधर होती है कि जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं हर टर्म का, वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन, माइनस वन का भी वन अपॉन माइनस वन मतलब माइनस वन, और एक्स का वन अपॉन एक्स तो मतलब ये उल्टा हो जाता है टोटल। इज इट राइट, मतलब वन अपॉन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन रहता है बट लेस देन माइनस वन रहता है। इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे, वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब मुझे आप लोग बताइए कि नंबर लाइन के ऊपर ग्रेटर देन वन, ये वन है ये माइनस वन है, तो ग्रेटर देन वन नंबर कहाँ रहेंगे, वन से राइट साइड में, समझे ना, ग्रेटर देन वन। यस सर। हाँ, और लेस देन माइनस वन मतलब माइनस वन के लेफ्ट साइड में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों है तो ये दो छोड़ के जो इंटरवल है हमारा पूरा रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर लाइन, ये कंप्लीट रियल नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन, ये कंप्लीट फिट, ये ओपन इंटरवल को हम नहीं ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ।
समझ में आया सभी को? आर माइनस माइनस वन टू वन। हेलो नो सर, नहीं समझ में। ये माइनस वन, ये ओपन इंटरवल को निकाल दिया तो ये बिस्ता है नहीं दोनों पार्ट, तो उसको कहते हैं आर माइनस माइनस वन। आर मतलब कंप्लीट नंबर लाइन, सभी नंबर उसमें से। नहीं समझा सर। हाँ सर, ऊपर का क्या क्या वो भी नहीं समझा सर। हाँ सर, मुझे आप बताइए, मेरे पास अगर नंबर टू है तो थ्री से ग्रेटर है, मैं टू का वन अपॉन टू करता हूँ, थ्री का वन अपॉन थ्री करता हूँ, तो कौन ग्रेटर है अभी? वन अपॉन टू नहीं, उल्टा हुआ, ये टू लेस देन थ्री है, उल्टा क्या मैं? हाँ यस, वन अपॉन थ्री। तो वन अभी कौन ग्रेटर होगा? वन अपॉन थ्री ग्रेटर है। इधर थ्री ग्रेटर है, उल्टा क्या था? ये साइन ऐसा है तो ये साइन बदलता है, वन अपॉन टू ग्रेटर। थोड़े बड़ा नंबर लेते, फाइव एंड वन ऑफ टेन लेते, कौन ग्रेटर है? टेन। अब हम लेते हैं वन अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टेन, कौन सा ग्रेटर रहेगा? अभी वन अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव ग्रेटर रहेगा कि नहीं? साइन बदलता है, मुझे ये बताना है कि एक्स इज लेस देन वाई होता है तो वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन वाई, इनइक्वालिटी में चेंज होता है रेसिप्रोकल करने के बाद, समझे आप लोग? यस सर। अब मैंने बताया कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड विच इज लेस देन माइनस वन अगर है, इसका रेसिप्रोकल किया वन अपॉन एक्स, तो ये साइन उल्टा हुआ, ये भी साइन उल्टा हुआ। वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन अपॉन वन, और माइनस वन का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? वन अपॉन माइनस वन, बट वन अपॉन माइनस वन होता है एंड वन अपॉन वन प्लस वन होता है, समझ में आया अभी ये बात? यस सर। हाँ, अभी इसमें दो भाग हो गए, माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन अपॉन एक्स, और दूसरा क्या बताता है? वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब कोई भी नंबर का वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है ना? वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन नंबर कहाँ चले जाते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू वन नंबर, मुझे आप बताइए, जो नंबर वन से ग्रेटर है, ये नंबर जो है वन से ग्रेटर, ग्रेटर देन वन नंबर, ये वन है, तो ये नंबर लेस देन वन है, समझे आप लोग? इतना तो समझे, लेस देन लेफ्ट साइड में होता है, और ये नंबर माय वन टू वन के बीच में, और वन उसमें है। अब हम थोड़ा सा दूसरा पार्ट सोचेंगे, तो जो नंबर वन से ग्रेटर और वन से लेस होते हैं, और वन माइनस वन दोनों जिनमें होते हैं, वो नंबर क्या रहते? ये सिर्फ ओपन इंटरवल का हिस्सा निकाल दो, इसको निकाल दो, तो इसे कहते आर माइनस माइनस वन, ये इंटरवल निकाल दिया हमने, ओपन क्लोज नहीं, माइनस वन है, ये हमने बताया आपको, समझ में आया? यस सर। चलो, मुझे वन से ग्रेटर ये समझ में आया, ये इंटरवल है वन एंड वन से ग्रेटर, ये माइनस वन एंड उस वन से लेस, ये पोर्शन, तो हमने ये पोर्शन नहीं लिया ना पूरे नंबर लाइन, ये कंप्लीट नंबर लाइन है, हम ये बीच वाला पोर्शन नहीं ले रहे। कौन सा पोर्शन नहीं ले रहे? ओपन इंटरवल। तो आर में से हम ये ओपन इंटरवल नहीं ले रहे, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। अभी भी नहीं समझा? समझ गया सर। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, अब ये मेरे पास नंबर लाइन है, इसमें टू भी है और टू के लेफ्ट में सब नंबर है रियल नंबर के, इधर थ्री है और थ्री के राइट के सभी नंबर है नंबर ग्रेटर देन थ्री, नंबर्स लेस देन टू,
इसमें टू भी है, इसमें थ्री भी है, ये पोर्शन हमारा सॉल्यूशन है, तो ये बच गया ना, ये कौन बच गया जो नहीं है, वो कौन सा नहीं है, टू टू थ्री के ओपन इंटरवल में नहीं है, समझ में आया, टू टू थ्री में ये नहीं है, टू टू थ्री में हमारा सॉल्यूशन नहीं है। और जब टू टू थ्री में नहीं होता है तो उसको कैसे दिखाना पड़ता है, आर में से सिर्फ ये टू के थ्री के बीच में नंबर नहीं है, तो ये जो नहीं है वो इंटरवल को हमें माइनस करना होगा। आप समझ में आया, या इसको मिटा दे, चलो बाद में बताएंगे, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, चलो हम आपको बता दे, वी डिडंट रिक्वायर इट, सो वी गॉट सो मेनी। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, डू यू रिमेम्बर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सब 90 degree 90 90 वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, 90 कौन से स्टैंडर्ड में हो, सम 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मेरा एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, 70 70 70। अगर ये 1 डिग्री है तो व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, 9। अगर ये x डिग्री है तो व्हाट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, 14। y डिग्री नहीं, 90 माइनस 6 90 माइनस। सेम थिंग, इफ आई कंसीडर इट एज अ थीटा डिग्री, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, 90 माइनस थीटा, इज इट राइट, परमिट टाइप पुराना है, वन एंगल इज थीटा, देन अनदर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, के हमारा काम हुआ, हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना है। तो अगर ये एंगल थीटा है, व्हाट अबाउट दिस एंगल, नाइन्टी माइनस, चलो मुझे आप साइन थीटा बताइए, टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, BC upon AC. हाँ यस सर। अच्छा ये BC upon AC और कौन से एंगल का कौन सा रेशो है, क्वेश्चन समझ में है, BC upon AC is a ratio of which angle? cos 90 minus theta का कौन सा रेशो है, कुछ भी मत बोलो, cos 90 minus theta है, is it cos 90 minus one. theta, sir cos 90 का 0 है ना value, करून घ्यायचं आपल्याला, काय करायचं फ्री आता, आणि याच्यानंतर आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछना बंद हो जाए तो माइक प्लीज ऑफ कर दिया करो, बीच में इंटरप्ट होते हैं। देखिए हमने आपको फिर से बताना जरूरी है, अब हम क्या लेते हैं, 90 माइनस थीटा का कोसाइन लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, बताइए रेशियो क्या आएगा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, 0। ए आपको 90 माइनस थीटा एंगल नहीं दिख रहा है इधर, ये एंगल है ना, मतलब एंगल सी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 0 कैसे, तो बोलिए व्हाट इज द 90 माइनस थीटा अपोजिट एडजेसेंट साइड, बीसी अपॉन व्हाट इज इट्स एडजेसेंट हाइपोटेनस, एसी। ओके अब हम साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, बोलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन,
अच्छा ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, मैंने समझो ये एंगल लिया है 20 डिग्री, ये अगर 70 डिग्री, मुझे अब साइन 70 का वैल्यू ये डायग्राम से बताइए, साइन 70 का वैल्यू ये डायग्राम आपको आता है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो बताइए साइन 70 का वैल्यू। What is the value of sine 70? What is the value of sine 70? What is the formula of sine theta? What is formula of sine theta? Opposite upon hypotenuse. तो मैंने कुछ समझा है नहीं, तो समझने का सवाल ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप कितने जानते हो। तो ये साइन 70 का क्या होगा फिर, अपोजिट क्या है साइन 70 का, हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, बताइए व्हाट इज अपोजिट ऑफ साइन 70, क्या है कौन सा साइड है अपोजिट, बीसी बीसी अपोजिट साइड कौन सा है साइन 70 का, बीसी ए बी, सॉरी सर ए बी है साइन 70 डिग्री का, ए बी हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए, अब बोलो तो सही, पूछो क्वेश्चन क्या है आपका। यस हेलो यू गॉट साइन 70 एज ए बी आपको आने, इज इट राइट? यस सर। साइन 70 मिल गया आपको, आप मुझे कॉस 20 बताइए, कॉस 20 टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉस साइन 20, कॉस साइन 20 का वैल्यू बताइए, बीसी अपॉन कोसाइन 20, क्वेश्चन देख लो कोसाइन 20, कुछ भी मत बताओ, पढ़ाई नहीं करते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोसाइन, एबी अपॉन ए, तो एबी अपॉन एसी होगा, चोरी चोरी भी हो गई। हेलो व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 20, बी सी अपॉन एसी, यस सेम समय, अब मुझे कॉस 70 का वैल्यू बताइए, इधर आ जाना, लोगों का क्या बताया देखता है, कॉस 20 हमने बताया, अभी कॉस 70 का वैल्यू बताइए, ए बी अपॉन ए सी, हाँ हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, यस बोलो ना, ए बी अपॉन ए सी, 70 डिग्री का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एडजेसेंट साइड 70 के एडजेसेंट साइड कौन सी है सर, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, देख लिया आप लोगों ने, यस सर, अब ये साइन 70 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, क्या सर साइन 70 का वैल्यू और कौन सा वैल्यू इक्वल है, कॉस 20 वाला सर, कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 मतलब साइन 70 जो है वो कॉस 20 के बराबर है, बराबर है हाँ, और कौन से दो वैल्यू जो इक्वल है,
सर कॉस 20 और कॉस 70 अपॉन ई सी बी सी अपॉन 20 कॉस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट कॉस 70 तो हुआ ना ये कॉस 20 साइन 70 इक्वल हो गए ये दोनों इक्वल हो गए साइन 20 और कॉस 70 यस सर साइन 20 एंड कॉस 70 इक्वल है बीसी अपॉन एसी वाला यस मतलब क्या हुआ ये दो एंगल का एडिशन जब 90 डिग्री देखो 20 एंड 70 90 है 20 एंड 70 90 तो एक का साइन दूसरे का कॉस होता है समझ में आया जब दो एंगल का सम 90 होता है तो एक का कॉस दूसरे का साइन होता है एक का कॉस दूसरे का साइन होता है सेम थिंग धीरे धीरे समझ लें टेंजेंट 20 आप लोग मुझे बताइए टैन 20 व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंजेंट 20 बीसी अपॉन एबी एबी यस आपके सामने ट्रायंगल है अब मुझे कॉट 70 बताइए एबी अपॉन बीसी एबी अपॉन बीसी कॉट 70 70 डिग्री के बारे में पूछा मैंने 70 डिग्री कोटेंजेंट 70 डिग्री बोला मैंने 70 डिग्री बीसी अपॉन एबी सेम रेशो आया बीसी अपॉन एबी इज इट राइट यस सर यस सर यस अब इसका मतलब tan 20 और cot 70 इक्वल है वी गॉट tan 20 सेम एज cot 70 ओके अब मुझे cot 20 का रेशियो बताइए cot 20 का रेशियो बताइए और tan 70 का रेशियो बताइए व्हाट अबाउट द रिलेशन cot 20 equal to AB upon BC and cot 1070 equal to AB upon AB same hai AB upon BC so iska matlab cot 20 same as tan 70 tan 17 okay yes जब दो एंगल का सम 90 होता है उनके बारे में सोच लो सिर्फ व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री तो इस तरह के रिलेशन होता है एक का साइन रेशियो दूसरे के कोसाइन रेशियो के बराबर होता है एंड कोसाइन ऑफ वन इज द साइन ऑफ द अदर सेम व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री सिमिलरली टेंजेंट का कॉट होता है कॉट टेंजेंट का टैन होता है अभी हम क्या करते हैं सिकेंट 20 डिग्री लिखते बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिकेंट 20 हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट तो हाइपोटेनस क्या है 20 डिग्री के लिए हाइपोटेनस सभी के लिए ए सी है एक ही है एडजेसेंट फॉर 20 डिग्री ए बी ए बी ए बी ए बी हेलो सर बताइए कोसेक का कोसेक 70 डिग्री का रेशो बताइए एसी अपॉन एबी AC upon AB same ratio है AC upon yes sir same ratio है it means इसका मतलब secant 20 degree जब आप लेते हो तो वो cosec 70 के बराबर आता है अब हम sec 70 ले लेंगे secant 70 degree बताइए और cosec 20 बताइए दोनों सेम आएंगे तो secant 70 is cosec 20 degree. These are the conversion. Is it right? ये सब लिख लो मैं और एक ट्रायंगल यस सर
मुझे अब साइन का कॉस में कॉस का साइन टैन कॉट कॉट टैन कॉट सिक कोसिक ऐसा कन्वर्ट करके लिखना है आपको सभी. मैं सभी वैल्यूज लिख रहा हूँ. मैं लिख रहा हूँ इधर साइन 20, आपको उसके आगे का वैल्यू लिखना है. हम कॉस साइन 20 लिख रहे हैं. यस बोलिए. हेलो, मेरे पास साइन 20 है तो आपको उसका दूसरा रेशो लिखना है. कौन सा एंगल बदलना है तो रेशो भी बदल जाए. साइन 70 को आप लिखेंगे, कॉस 70 को आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ दूसरा रेशो 5. टेन 70 आप लिखेंगे, कॉट 70 आप लिखेंगे, साइन सॉरी टेन 20 आप लिखेंगे और 8 कॉट 20 आप लिखेंगे. नौ सेकेंड 70 आप लिखेंगे, 10 सेकेंड 20 आप लिखेंगे, 11 को सेकेंड 20 आप लिखेंगे और 12 को सेकेंड 70 आप लोग लिखेंगे. इसी ट्राइंगल से लिखो, फिर बाद में इसी ट्राइंगल के सभी एंगल्स के बारे में आपको ऐसा बनाना है. एक ऐसा रो 1575 1575 सब जगह बदल दो. अच्छा साइन 20 कौन सा एंगल कौन से रेशो के बराबर आएगा? साइन 20 और कौन से एंगल के कौन से रेशो एंगल भी बदलेगा. साइन 20 का सभी 12 लिख लो, ये पूरे 12 लिख लो. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो एक का साइन दूसरे का कॉस होता है, एक का टेंजेंट दूसरे का कॉट होता है, एक का कॉट दूसरे का टैन होता है. कॉसाइन साइन में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट. हेलो, हाउ रिटन साइन 20 कॉस 20 साइन 70 कॉस 70 टैन 70 कॉट 70 टैन 20 कॉट 20 सेकंड 20 सेकंड 20 70 कोसेक एंड कोसेक 27. अब मुझे ऐसा ही 15 और 70 के बारे में 75 के बारे में आपको लिखना है. ट्रायंगल सिर्फ हम रेफर करने के लिए ले रहे, यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली. देखिए अगर मेरे पास साइन 15 डिग्री है तो आपका वो कौन से एंगल के लिए बराबर आएगा और कौन सा रेशो हो जाएगा बताइए, कौन बताएगा? कोसाइन 15 रेशो भी बदलेगा एंगल भी बदलेगा. साइन 75 डिग्री नेक्स्ट 5 नंबर
बताइए, एक भी आंसर नहीं आ रहा। क्या आ रहा? स्क्रीन सर, स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके हो गई, क्लियर। ओके ओके, अब बताइए साइन 15 किस के बराबर आएगा? कॉस 75 के बराबर आएगा डायरेक्ट। ये कॉस 75 साइन 15 के बराबर आएगा, कॉट 75 किसके बराबर आएगा? टेन 15 के बराबर, जिनका सम 90 है उसमें कन्वर्ट करने। 90 मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा में क्या चेंज होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट होता है कॉस साइन में, एंगल थीटा टू 90 माइनस थीटा। टेंजेंट कॉट में होता है और कॉट टेन में होता है, और सिकेंट को सिक में होता है, दोनों साइड में आर और एंगल बदल गए। दूसरा कॉस 75, हाँ दूसरा कॉस, कॉस 15 है तो नहीं, नहीं कॉस 15 है तो उसका 15 है ना वो, हाँ तो कॉस कॉस में कैसे कन्वर्ट होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये साइन 75 होगा। हाँ सर, साइन 75 और साइन 75 कॉस 15 होगा। हाँ ये cos 15 जो है वो sin 75 होगा, बिल्कुल, और sin 75 होगा और वो cos 15 होगा। अभी इधर बताइए tan 75 कितना होगा? tan cot आएगा, cot आएगा, 15 डिग्री आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेना है एंगल, और tan cot 75 बिल्कुल cot 15 cot 15 है तो tan 75 सर। हेलो सर, हेलो सर, अब बोलते जाइए, बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। 11 का sec 75 और आएगा cos 15 और cos, हेलो हाँ बोलो बोलो, अब बोलिए sin 12 का sin 15 आएगा सर। हाँ सर, 11 का आएगा sec 75 हो तो cos sec 15 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गए, समझ गए। यस सर, कब होना? जब दो एंगल का सम 90 हो, उनको कहते हैं 90 या संवाद कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कन्वर्जन, इज इट राइट? यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी मैं और एक पेयर देता हूँ, वेल नोन पेयर दे देंगे हम आपको। यस सर, वेल नोन पेयर 30 और 60 एक वेल नोन पेयर होती है। वैल्यू नहीं लिखना है आपको, सिर्फ कन्वर्जन लिखना है। तो बोलिए साइन 30 किसके बराबर आएगा? सर cos 60, cos 60 के बराबर, बिल्कुल बिल्कुल cosec 60, नहीं नहीं 4 5 tan 30 आपको। वैल्यू नहीं पूछी मैंने, आई डिडंट आस्क यू अबाउट द वैल्यू, मुझे सिर्फ आपको कन्वर्जन सिखाना है। नो सर, स्क्रीन ब्लर हो गई सर। ओके ओके, cosec 30 11 सेकंड 60 cosec 30 60 क्या लिखो? 30 60 का सभी हेलो सर, वीडियो भी पॉज हो गए और स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर।
हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, स्क्रीन ब्लर दिख रही है और अभी देखो अभी तो पूरा हुआ है, व्यू दिख रहा है पूरा। आप देखो आ गए क्या आप लोगों के वैल्यू, हेलो आपके वैल्यू आ गए? नहीं सर, स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ब्लर है? नहीं अभी है ना। नहीं सर, ब्लर दिख रही है। हाँ बोलो सर, ये स्लाइड का फोटो निकाल के ग्रुप पर भेजो ना। नहीं अभी हमने बता दिया ना, थोड़ा कंसेप्ट तो समझ में आया ना, अभी आपने आंसर भी दिया हम लोगों ने। सर मुझे भेज दीजिए, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने बता दिया, अभी कल एक्चुअल वैल्यू देखेंगे। 30, 60, 45 और 90 और 0 का वैल्यू बाद में देखेंगे, अभी नहीं, आपको मालूम है, बट वो वैल्यू नहीं जरूरत हमें। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ
यस सर आ रही आवाज ओके ओके रुक जाते आ जाते ओके सर थैंक यू सर हैव अ नाइस डे सर ऋषिकेश सर स्टार्ट करूं क्या मैं यस सर कर दी स्टार्ट ठीक है ऋषिकेश सर नहीं है